तो हम बात करेंगे इस वीडियो में क्विक चार्ट्स की। अगर आप एक्सेल में हैं तो आपको एक्सेल में कैसे क्विक चार्ट यूज कर सकते हो, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इंसर्ट में जाइए, अपना चार्ट टाइप को सिलेक्ट कीजिए। हालांकि आपके पास रिकमेंडेड चार्ट होता है, आप रिकमेंडेड चार्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, इसमें बने बनाए आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। जो सा चार्ट आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन ओके कीजिए। उसके बाद आप इसमें ऊपर चार्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको चार्ट डिज़ाइन दिखेगा, जिसमें बहुत सारे चार्ट की बने बनाए डिज़ाइंस है। जो डिज़ाइंस आपके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्सो इसमें इसका फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट की साइज़ वगैरह चेंज करनी है, हाँ चेंज कर सकते हैं। चार्ट हो गया, चार्ट की टाइटल को अपने हिसाब से आप चेंज कर दीजिए, जो चार्ट की टाइटल आप चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया मंथली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट। तो इस तरह से आप चार्ट्स के चार्ट्स को अपने हिसाब से बदल सकते हो, ला सकते हो, फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो, चार्ट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, कहीं पे कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा क्विक चार्ट्स का फॉर्मेट। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और लंबे लंबे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस 5000 से ऊपर वीडियोस डली हुई है, आप ला सकते हैं। साथ में मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको सारे सिक्वेंस वीडियोज और चैट सपोर्ट मिल जाता है। थैंक यू।